वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। इस वीडियो में मैं वेलवेट के भगवान जी के कैप बना रही हूँ। तो तीन कलर के बनाए हैं, एक पिंक कलर है, मैं दिखाऊंगी, यस, और एक येलो है, एक ग्रीन है। इन तीनों कलर के बनाऊंगी। तो मंदिर के भगवान जी हैं जो बड़े बड़े हैं, करीब 4.25 फीट के अंदाज में, और 4.25 फीट तक तो हैं। और उसमें छोटे छोटे भगवान जी भी हैं, करीब करीब 1.25 फीट के हैं, 3-4 एक छोटे हैं, और इस तरह से चार एक एक सेट बनाऊंगी, 5-5 कैप का। तो एक जैसे ही साइज़ के बनेंगे, तो 5-5 का जो बनेगा, 5 में एक बड़ा है, बड़े कृष्ण जी का है, तो ये इस तरह से एक पहले बनाया हुआ है, उसका मेजरमेंट है मेरा, मेरे पास, तो उसको मैंने ऐसे काटा है। तो ये देखिए, इसमें सीधा लिया है बिल्कुल, उसको कर्व लेके थोड़ा सा, ये दिख रहा है जो, कर्व लेके थोड़ा सा काटा है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से है। और इसमें लाइनिंग लगाई है भगवान के, जैसे सर में पहनेंगे कहीं भी तो लाइनिंग, कॉटन की लाइनिंग अंदर ठीक रहती है, थोड़ा उसका टच अच्छा रहता है भगवान के लिए, तो उसका बनाते हैं। ये ऊपर में लगाया है, ऊपर में जो हेड में, उसमें एक स्क्वायर पीस लिया है, उसको लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो काटा है नीचे, ये देखिए इस तरह से शेप है, ये सामने की तरफ फेस पर खुलेगा, बंद होएगा, और ऊपर की तरफ इसको चौकोर टुकड़ा जोड़ देंगे, चुन्नट डालेंगे थोड़ी सी। और फिर ये छोटे वाले कैप बनाए हैं, इसको ये इसी तरह से बस सिंपल कटाई करनी है, ऊपर में थोड़ा सा कर्व देना है, बीच में ऊंचाई है, और ये देखिए ये इस तरह से है, ये देखिए ये इस तरह से काटा है। ये इस तरह से कटिंग की है, ये यहाँ पे ऊपर इसको चुन्नट लगा के ऐसे उसमें गैदर्स देंगे, और फिर इस तरह से बन जाएगा। और चारों तरफ मैंने सब जगह सैटन रिबन से फिनिश कर दिया है, उससे आसान रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, और आपको मोड़ने या कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सैटन रिबन लिया और उसे फिनिश कर दिया। अगर आप स्टिचिंग करते रहते हैं तो एक बार में अंदर दबाया और एक टाँका देंगे और बिल्कुल ठीक आ जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आराम से उसको एक स्टिच दीजिए पहले, उसके बाद दूसरा दे दीजिए, और बहुत अच्छा फिनिशिंग आती है उससे। तो इस तरह से ये सब छोटे कैप बनाए हैं मैंने, ये इसको मोड़ मोड़ के, तो और बस बड़े वाले में है, उसमें ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे, गोल आएगा, और छोटे वाले भगवान जी के सबके ऊपर ऐसे ही चुन्नट लगेंगे। तो इसमें तीन एक साइज़ के हैं और एक छोटा है थोड़ा और। तो आप किसी भी मूर्ति की साइज़ के ऐसे बना सकते हैं, उनके नेक से लेके और हेड तक का नाप मेज़रमेंट लेंगे, जो भी मेज़रमेंट होगा उसकी, ये देखिए उसकी लंबाई लेना है जो सामने दिख रही है इधर, और जो बीच में ऊंचा दिख रहा है उसमें आप 1 इंच और बढ़ा दीजिए, और बस उसके बाद नेक का राउंड का पीछे से लीजिए पूरा नाप, और उसके बाद ये ऐसा कर लीजिए, नाइट बराबर काट लीजिए, और चारों तरफ तीन तरफ उसको रिबन से फिनिश करना है, और चौथी तरफ गैदर्स लगा के उसको एक साथ स्टिच कर देना है, बस बहुत सिंपल है। ये देखिए सब मैंने लाइनिंग लगा के, ये देखिए पूरा रिबन लगा के तीन तरफ से फिनिश कर दिया है, अब चौथी तरफ में बस वो गैदर्स लगानी है, और टोपी तैयार। ये इधर बस ये गैदर लगाएंगे। आपको अगर लगता है मोटा है मशीन के अंदर, जैसे वेलवेट भी है कपड़ा भी है, उसको इकट्ठा करेंगे तो धीरे धीरे चला के निकाल दें अगर आपसे निकल जाता है, और नहीं तो आप हाथ से उसको कच्चा बोलते हैं जो, वो करें रनिंग स्टिच जो बोलते हैं उसको करिए आप, और रनिंग स्टिच को करके और उसको धागे को खींच दीजिए, जितना कस के खींच सकते हैं उतना खींच दें, पूरा गैदर्स हो जाती हैं, और उसके बाद उसको घुमा के उसको पक्का कर दें।
तो वो भी एक बहुत आसान तरीका है अगर मशीन में नहीं चल पाता है आपसे तो। ये देखिए बड़ा कैप है जो इसमें चारों तरफ जो ऊपर का पोर्शन है उसको एक तरह से चार पोर्शन में बांट लेंगे। सामने के पोर्शन को जोड़ देते हैं पहले, जो ये मैंने ये उसको, और ये देखिए जो ग्रीन है, ये देखिए स्क्वायर जो पीस है ऊपर से इसको जोड़ दिया है इसमें, ऊपर का पीस जो जोड़ के, और बहुत आसानी से अच्छे से बन जाता है। भगवान जी को बहुत अच्छे से आता है ये कैप। और ये छोटे छोटे कैप हैं, ये सब इसी साइज़ के हैं। देखिए ये देखिए चार बन गए पूरे, पांच, एक छोटा है, ये इस तरह से चौकोर जुड़ा है नीचे, बहुत अच्छे से जुड़ता है, फिनिश हो जाता है। और ये बनने के बाद अब भगवान जी पहनते हैं, गर्म ठंडी में बहुत अच्छा, चारों तरफ से कान तक गर्दन तक ढक जाती है। और घर में भी किसी के लिए बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, नीचे इसमें डोरी डाल सकते हैं, जिससे डोरी डाल के बांध देंगे तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये सामने की तरफ भी डोरी डाल सकते हैं तो उसे भी खींच के, तो जैसे फेस तक आ जाता है, पूरा ढक जाएगा और बहुत सुंदर आएगा। ये देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है, तीनों कलर बहुत अच्छे हैं। इनमें सब में मैंने कंट्रास्ट कलर का यही सैटन रिबन लगाया है, येलो में रेड है, ग्रीन में भी रेड है, और जो रानी कलर का है उसमें येलो लगाया है। ये देखिए भगवान जी पहनने के बाद में, ये बड़े भगवान जी पहने हुए और छोटे छोटे भी देखिए साफ पहने हुए हैं। तो ये इस तरह से बड़े भगवान जी का ऊपर से फूला हुआ इस तरह से आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और ये बनने के बाद बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, बहुत सुंदर लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इजी है, बहुत आसान है बनाने में, किसी का घर में, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, किसी के लिए भी बना सकते हैं, जो भी पहनना चाहे उसके भी यूज़ होगा, और भगवान के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल। थैंक्स अगेन।